नमस्कार। वेरिकोज वेन को स्पाइडर वेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये नसें फूली हुई, नसें बढ़ी हुई, नसों में ब्लॉकेज और नसों का गुच्छा, उसे वेरिकोज वेन कहते हैं। ये त्वचा के नीचे बैंगनी रंग की, नीले रंग की, हरे रंग की व लाल रंग की दिखाई देती है और हमेशा उभरी हुई सी होती है। शरीर में किसी भी नस में वेरिकोज वेन की शिकायत हो सकती है, मगर ज़्यादातर ये जांग में, पिंडलियों में और पंजे जो पैरों के पंजे होते हैं वहाँ पर देखी जाती है। अब इसके लक्षण बता देता हूँ। कई व्यक्तियों को इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बहुत से रोगियों को जिनको वेरिकोज वेन की शिकायत होती है, उनके पैरों में सूनापन रहता है, अकड़ाहट रहती है, जलन होती है, चीसे होती है, दर्द होता है, यहाँ तक कि बैठते हैं तब भी पैरों में दर्द होता है, ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तब भी पैरों में दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐठन सी रहती है। जब ये रोग पुराना होता चला जाता है, क्योंकि इसमें नसों में खून दौरा होता नहीं ठीक ढंग से, तो वो नसों में क्या होता है, जैसे जमा होता है खून, तो उस जगह धीरे धीरे जख्म बनने लग जाता है, जिसे अल्सर कहते हैं। कई रोगियों को पैरों में, टांगों में भारीपन, सूनापन और खारिश होती है। अब ये क्यों होता है ये बता देता हूँ। हमारा दिल हमारी शरीर की सभी नसों में खून पहुँचाता है और नसों में जो वाल्व होती है, वो वाल्व वापस उसी खून को दिल तक पहुँचाता है। मगर किसी कारणवश जब वो वाल्व कमज़ोर हो जाता है या वाल्व ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से नसों में ही खून तो चला जाता है लेकिन वापस नहीं आ पाता और नसों में इकट्ठा होने लग जाता है, जिसके कारण वेरिकोज वेन की शिकायत हो जाती है। नसें फूल सी जाती हैं और देखने में भी गंदी लगती है और बाद में धीरे धीरे सूजन, दर्द, खारिश वगैरह भी करती है। अब इसके कारण बता देता हूँ। सबसे पहला कारण है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर की नसें सख्त होने लग जाती है, उनके अंदर नसों में दबाव पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से भी वेरिकोज वेन की शिकायत हो जाती है। दूसरा कारण है, महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान या महिलाओं के मेनोपॉज के अवस्था के दौरान, या जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोली खाती हैं, तो उनका खून का दौरा तेज़ी से चलता है, जिसकी वजह से नसों पर दबाव पड़ता है, उस वजह से वेरिकोज वेन की शिकायत हो जाती है। तीसरा कारण है, जिनके शरीर में मोटापा ज़्यादा है, ख़ास तौर पे मोटे व्यक्तियों को तो ये ज़्यादा तंग करता है और पुरुष की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा तंग करता है। जिनका मोटापा ज़्यादा है, उनके नसों में खून दौरा अच्छे से नहीं होता और नसों पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन की शिकायत हो जाती है। जिनको कब्ज़ रहती है, मल त्याग करते समय जोर लगाते हैं, तो उससे आंतड़ियों और नसों पे, शरीर की सभी नसों पे जोर पड़ता है और ख़ास तौर पर पिंडलियों की और जांग की नसों पर जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन की शिकायत हो जाती है। जो व्यक्ति ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या जो व्यक्ति ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, या जो व्यक्ति टांग पे टांग रख के ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, उनकी टांग की नसों में, जांग की नसों में दबाव पड़ता है, जिसे तनाव उत्पन्न होता है और वेरिकोज वेन की शिकायत हो जाती है। अब मैं इसका इलाज बता देता हूँ। जिनको वेरिकोज वेन की शिकायत है, वो पैदल ज़्यादा चलें, जॉगिंग कर सकते हैं या दौड़ कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साइकिलिंग करना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जहाँ वेरिकोज वेन की शिकायत है वहाँ मसाज करना बहुत फ़ायदेमंद है। जहाँ वेरिकोज वेन की शिकायत है वहाँ गर्म पानी में नमक डाल के, और सेंधा नमक जिसे कहते हैं, और फटकड़ी डाल के उसकी सिकाई करना फ़ायदेमंद है। शीर्षासन करना बहुत फ़ायदेमंद है। जब वो आराम करते हैं या सोते हैं, तो पैरों के नीचे तकिया रख के सोएं या अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठा के सोएं, जिससे थोड़ा सा नसों में खून दौरा वापस होने लगे, इससे उनके वेरिकोज वेन की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। अब मैं घरेलू उपचार बता देता हूँ। लाल मिर्च एक पीस, साबुत हो तो एक पीस, अगर आपके पास पीसी हुई है तो चम्मच का चौथा हिस्सा, और लहसुन की दो कलियाँ या तीन कलियाँ, और इसके बाद अजवैन आधा चम्मच, इनको लेके लहसुन को अच्छे से कूट लें। अगर आपके पास लाल मिर्च साबुत है तो उसको हल्का सा कूट लें, अगर पाउडर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको सभी को एक कप पानी में डालें और इसको उबालें। जब पानी आधा कप बच जाएगा, उसे छान के ज़रूरत अनुसार कुछ
मीठा मिला के आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें और लगातार इस्तेमाल करें। इससे आपकी वेरिकोज वेन की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। अब इस पे मालिश करने की जो विधि है वो बता देता हूँ। लहसुन लेके उसको पीस के उसका पेस्ट बना लें, और जितना उसका पेस्ट है, मान लीजिए 1 चम्मच अगर पेस्ट है, तो 1 चम्मच ही उसमें आपने तिल का तेल मिलाना है और पेस्ट अच्छी से बना के वेरिकोज वेन पे हल्के से मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आधे घंटे तक छोड़ देना है, उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से उसे धो देना है। ऐसा करने से भी आपकी वेरिकोज वेन की शिकायत जड़ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लहसुन में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो नसों को खोलती है, नसों के अंदर अगर खून के थक्के भी जमे हुए हैं तो वो भी ठीक कर देती है। और मैंने बहुत बार इसको आजमाया हुआ है और भगवान की दया से सबको आराम मिला है। अब मैं आयुर्वेदिक औषधियाँ बता देता हूँ। आयुर्वेदिक औषधियों में अर्जुन की छाल लेनी है और अजमोद लेना है। अजमोद को जंगली अजवैन भी बोलते हैं। अजमोद ना मिले तो उसकी जगह आप अजवैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलसी के बीज आप तीनों को बराबर मात्रा में लेके इनको अलग अलग पीस के पाउडर बना लें। इनका तीनों का जब पाउडर बन जाए तब सबको एक जगह मिला के आपने 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना है। अगर आप पाउडर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, इन तीनों का मिश्रण जो पाउडर है उस पाउडर को 1 चम्मच को 1 कप पानी में डाल के उबाल के आधा कप पानी बच जाए उस पानी को छान के आपने पीना है। सुबह शाम 2 बार ऐसा करना है। अगर आपको कुछ मीठा मिलाना है तो उसमें आप मीठा भी मिला सकते हैं। अब इसमें मालिश की औषधि बता देता हूँ। मालिश की औषधि में अलसी का तेल आपको किसी भी जो जड़ी बूटियाँ रखते हैं जिसे हम पंसारी बोलते हैं उनके पास मिल जाएगा। वहाँ से लेके अच्छे से सुबह शाम आपने वेरिकोज वेन पे मालिश करनी है, जिससे नसें खुल जाएंगी और नसों में खून दौरा अच्छे से हो जाएगा और नसों की वाल्व ठीक हो जाती है। खराब कितनी भी वाल्व हो वो भी ठीक हो जाती है। आप सुबह शाम इसका लगातार मालिश करें, ये वेरिकोज वेन की बीमारी जड़ से चली जाएगी। अगर किसी कारणवश आपको अलसी का तेल नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलसी के बीज ले लेना 50 ग्राम, उसको अच्छे से पीस लेना और उसके बाद आप उसमें 200 ग्राम तिल का तेल डाल के अच्छे से उबाल लेना, गरम कर लेना। जब मान लीजिए 200 ग्राम से 150 ग्राम तेल रह जाएगा, उसको अच्छे से छान के उसी तेल से आपने मालिश करनी है, तो उससे आपकी सारी नसें खुल जाएंगी और ये वेरिकोज वेन की शिकायत जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अब मैं जिनके पास समय का अभाव है उनको रेडीमेड औषधि बता देता हूँ। रेडीमेड औषधि में है परवाल पिष्टी आती है। परवाल पिष्टी आप 125 mg से लेके 500 mg तक, जो उम्र अनुसार, अगर छोटा बच्चा है तो 125 mg लेनी है, अगर 10-12 साल का बच्चा है तो 250 mg लेनी है, अगर आप मान लीजिए बड़ा व्यक्ति है तो उसे 500 mg लेनी है। लेकिन ज़्यादातर ये बड़े व्यक्तियों में, खास तौर पे महिलाओं में देखी जाती है, तो 500 mg की इसकी डोज लगभग मान के चलिए कि चम्मच का छठा या सातवां हिस्सा आप लें, और उसको लेके 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम चाटना है। और कोशिश ये रखनी है कि आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। और इसमें मालिश करने वाली औषधि बता देता हूँ। मालिश करने वाली औषधि में महानारायण तेल आता है, उसकी सुबह शाम आपने गुनगुने पानी से धो के अच्छे से सुबह शाम मालिश करनी है। एक बात बताना चाहूँगा, मैं आपको इस हर वीडियो में 3 उपचार बताता हूँ, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक औषधियाँ और रेडीमेड औषधियाँ। इन तीनों में से आपने कोई एक उपचार करना है, सभी उपचार नहीं करने हैं। इनमें से जो आपको ठीक लगे आपने वो उपचार करना है। ये तीनों उपचार अजमाए हुए हैं और तीनों से फ़ायदा होता है, इसलिए आपको जो ठीक लगे, जो आपके पास सहूलियत हो जिस उपचार को करने की, आप वो उपचार करें ताकि आप ठीक हो सकें। अब परहेज़ बता देता हूँ, क्योंकि बिना परहेज़ के कोई दवा असर नहीं करती है। एक तो सबसे पहला परहेज़ है, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल मत करें, जिनको वेरिकोज वेन की शिकायत है। ज़्यादा घी का इस्तेमाल मत करें, ज़्यादा बाजार का तला फला मत इस्तेमाल करें, रबड़ी वगैरह का इस्तेमाल मत करें, ताकि अपने वेट को नॉर्मल रखें। और ज़्यादा हील वाली शूज या सैंडल का इस्तेमाल मत करें। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो बता देता हूँ। हरी साग सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और
हाँ, आधा घंटा सुबह शाम सैर जरूर करें, और जिनका वज़न ज़्यादा है वो अपना वज़न कम करें, और भीगे हुए मेवे जैसे अंजीर भिगो के, अखरोट भिगो के खाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए मछली खाना फ़ायदेमंद है। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।